अरविंद। अच्छा नहीं सर, चाहिए क्या? क्या हुआ? बहुत गलती हो गई सर, मतलब मल्टीपल का एक बहुत सारा क्वेश्चन था, इसमें एक ऑप्शन तो छूट ही जा रहा था। तो गलती सब सुधारो, अभी टाइम है। अच्छा इतना एग्जाम दे दे के तब तो आदत हो जाना चाहिए। ठीक है, बाकी आदित्य सर, कैसा गया? कल का एग्जाम कल था ना, सर चला गया ना। एग्जाम सर, दे रहे हो तो उसको थोड़ा ऐसा दो कि उससे आगे आने वाले जो एग्जाम हो उसमें गलतियां कम हो, प्रैक्टिस के तौर पे। हाँ, इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये नहीं कि हाँ एग्जाम था दे दिए। जैसे हेड आता है ना, पेप्सी था पी गए, वैसा हाल नहीं। ठीक है, एग्जाम है तो उसको एग्जाम दो, एग्जाम के तरीके से दो, और कोशिश करो कि मतलब गलतियां कम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम जो भी दें उसमें कम से कम गलती करें। ठीक है फिर। हम लोग लास्ट क्लास देख रहे थे कि लास्ट टॉपिक चल रहा था एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम से हम लोग टॉर्क का रिलेशन निकाले थे। तो टॉर्क हमारा आया था, टॉर्क बराबर डीएल बाई डीटी, और हम बोले थे कि अगर टॉर्क नेट जीरो होगा, ये नेट टॉर्क ही आता है जो भी बॉडी पे है, तो नेट टॉर्क जीरो होगा तो हमारा चेंज इन मोमेंटम डेल्टा एल जो हो जाएगा कांस्टेंट। और हम बोल रहे थे कि मोमेंटम जो है कंजर्व रहेगा, यानी कि टॉर्क नेट अगर हम बोल रहे हैं बॉडी पे जीरो है, यानी कि हम बोल रहे हैं कि एल जो है वो कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे चीज आ रहा है कि एंगुलर कंजर्वेशन का मोमेंटम एल कॉन्स्टेंट, यानी कि हम बोल सकते हैं कि आई इंटू ओमेगा किसी के लिए वो होगा कॉन्स्टेंट। अगर ये कांस्टेंट, इसका मतलब कि ओमेगा जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, यानी कि अगर हम इंटरनल इनर्जी या किसी की वजह से अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्जी घटाएंगे बढ़ाएंगे तो उसी हिसाब से ओमेगा भी घटेगा बढ़ेगा। ठीक है, ओमेगा यहाँ पे है एंगुलर वेलोसिटी और आई है एंगुलर मोमेंट मोमेंट ऑफ इनर्जी। ठीक है, ओमेगा और आई जो होगा दोनों सेम एक्सिस के अबाउट होगा, ये जिसका हमको पता रखना। अब इस पे कुछ एग्जांपल्स बोल रहे थे कि जैसे कोई तैराक है जो ऊपर से गोला मारता है, निकूदता है तो राउंड राउंड घूमता है, तो उसमें भी अपना पूरा हाथ पांव जो है एक साथ कर लेता है, पैर और सर एक साथ घुमेट लेता है, यानी कि जो हमारा मास होता है वो सिर्फ एक एक्सिस पे आ जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्जिया घट जाता है, तो ओमेगा बढ़ जाता है, तो दो तीन राउंड वो मार लेता है। स्केटिंग वाले केस में स्केटर्स जो होते हैं राउंड राउंड घूमना होता है, तो हाथ अगर फैलाते हैं तो धीरे हो जाते हैं, हाथ अगर वही हाथ पांव एकदम सटा लें तो क्या होगा कि उनका मोमेंटम बढ़ जाएगा, ज्यादा तेजी से रोटेट होने लगेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है कि इन सब चीजों पे नॉर्मली क्वेश्चंस मिलेगा कि एक आदमी था कुर्सी पे बैठा हुआ है, हाथ अगर फैला दिया तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्जिया इतना बढ़ गया, तो बताओ ओमेगा में क्या चेंज आएगा। ऐसे ऐसे सवाल हम लोग को मिलेंगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन सब चीजों में हम लोग को एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्जिया को घटाएं बढ़ाएं तो ओमेगा भी घट बढ़ रहा है। कब? जब बाहरी एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, यानी कि एक्सटर्नल टॉर्क कोई ना लग रहा होगा इसकी वजह से। ठीक है, यानी कि अगर टॉर्क नहीं है तो हम बोलेंगे कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो इसी से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। ठीक है,
यानी कि मोमेंटम कंजर्वेशन से ही एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो ऐसा दे रखा है कि एक एक्सिस है और इस एक्सिस के अबाउट दो डिस्क ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। ये दो डिस्क जो है एक ही एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, एक ही एक्सिस से ऐसा अलग अलग है रोटेट कर रहा है। ये वाला जो है ये ओमेगा नॉट से ऐसा घूम रहा था, लेकिन ये जो है यहाँ पे रेस्ट में है इनिशियली। इसका भी मास एम है, रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर है, मास एम है, और दोनों जो है वो डिस्क, ठीक है। अब हम इसको ऐसा रोटेट हो रहा है तो धीरे से हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसको इस पे यानी कि पुट स्लोली, ठीक है, स्लोली हम पुट कर रहे हैं, स्लोली हम इस पे फर्स्ट वाले को सेकेंड वाले पे पुट कर दे रहे हैं, ठीक है, बात क्लियर है। यानी कि हम एक डिस्क है, एक डिस्क को ओमेगा नॉट स्पीड दे दिए हैं, उसको घुमा रहे हैं और उसको धीरे से एकदम नीचे वाले पे पुट कर दिए। तो डिस्कस यानी कि व्हाट हैपेंस, क्या होगा यानी कि ओमेगा के बारे में कमेंट करना है। ओमेगा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ बोथ वन एंड टू इफ फर्स्ट सरफेस इज स्मूथ, ठीक है, सरफेस स्मूथ है, सेकेंड सरफेस इज रफ, रफ होने का मतलब फ्रिक्शन प्रोवाइड होगा, ठीक है। यानी कि ओमेगा, दोनों के ओमेगा पे कमेंट करना है कि क्या होगा अगर हम एक डिस्क को रोटेट करते हुए दूसरे पे रख दे तो, जब सरफेस दोनों के बीच का है स्मूथ हो और जब रफ हो, बताओ जल्दी से इसको। हाफ हो जाएगा रफ वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में क्या होगा, रफ वाले केस में हाफ हो जाएगा, और फर्स्ट वाले केस में कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट वाले केस में रफ है तो ये धीरे धीरे जो जाएगा ये इस पे जाके क्या होगा इसको, ठीक है, ये जो है इस पे धीरे धीरे जाएगा और इसको टच करेगा, टच करेगा, सरफेस स्मूथ है तो ये अपना उसी से रोटेट होता रहेगा, यानी कि ओमेगा ऑफ वन जो होगा ओमेगा नॉट ही रहेगा और ओमेगा ऑफ टू जो है जीरो था तो जीरो ही रहेगा, क्योंकि स्मूथ सरफेस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम सेकेंड का बात कर रहे हैं तो जब टच करेगा तो क्या होगा कि सरफेस जो है स्मूथ है, यानी कि नीचे वाला सरफेस जो है ऊपर वाले का वेलोसिटी घटाएगा और ऊपर वाला नीचे वाले को वेलोसिटी बढ़ाएगा, ठीक है, यानी कि रिलेटिव मोशन है दोनों के बीच में, रिलेटिव मोशन है तो हम बोलेंगे कि फ्रिक्शन एक्ट करेगा, फ्रिक्शन जो है अपोज करेगा, ठीक है, फ्रिक्शन जो है अपोज करेगा, तो डिस्क वन का जो एंगुलर मोमेंटम हो, एंगुलर वेलोसिटी होगा वो घटेगा, यानी कि डिस्क वन का ओमेगा घटेगा और डिस्क टू का जो ओमेगा होगा वो बढ़ेगा, ठीक है, डिस्क वन का घटेगा और बढ़ेगा कब तक, तो जब तक दोनों के बीच का जो वेलोसिटी सेम ना हो जाए, क्योंकि जब सेम हो जाएगा तो रिलेटिव टेंडेंसी मोशन खत्म हो जाएगा और हम जानते हैं कि फ्रिक्शन तभी लगता है जब रिलेटिव टेंडेंसी खत्म हो जाता है, यानी कि कब तक होगा, तो अंटिल
ओमेगा बिकम्स इक्वल, ठीक है, तब तक होगा जब तक कि ओमेगा बराबर ना हो जाए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो तभी करता है जब दो सर्फेसिस के बीच में देर इज अ रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ मोशन। रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ मोशन होगा तभी जाके होगा, या तो रिलेटिव मोशन हो रहा हो या फिर टेंडेंसी हो। टेंडेंसी हो तो स्टेटिक फ्रिक्शन और हो रहा हो तो काइनेटिक फ्रिक्शन। खैर अगर दोनों का ओमेगा इक्वल हो जाएगा तब फ्रिक्शन क्या होगा, यानी कि इस समय जो फ्रिक्शन हो जाएगा खत्म, यानी कि अब वो उतने से रोटेट होता रहेगा। तो हम अगर हम लिखेंगे इसमें एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल, तो क्या लिखेंगे, एम आर स्क्वायर बाई टू ओमेगा नॉट इक्वल टू, दो बॉडी है तो एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा। तो यहां से हमको दिख रहा है ओमेगा जो हो रहा है ओमेगा नॉट बाई टू हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि सारे चीज कहानी जो होगा हमारा सिमिलर चलेगा, जैसा कि हम लोग पहले भी ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं, देख चुके हैं। इस बात में किसी को दिक्कत तो बोलो। नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टर्न टेबल, टर्न टेबल यानी कि ओमेगा नॉट से ये घूम रहा है, ठीक है। इसका जो मास है, टर्न टेबल का मास m है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई दे रखा है, कह रहा है कि यहाँ एज पे, ठीक है, यहाँ एक एज पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है, यानी कि एज पे यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, उसके हाथ में एक m मास का बॉल है, ठीक है, यानी कि आदमी का मास जो है m नॉट है और इस बॉल का मास है m, ये हाथ में ऐसे पकड़े हुए, इतना बात में कोई दिक्कत। यानी कि हम यहाँ पे एक लाइन लिख ही देते हैं कि मैन ऑफ मास m नॉट हैव बॉल ऑफ मास m इन हिज हैंड, ठीक है, उसके हाथ में ऐसा है। अब बोल रहा है कि ही थ्रोज, इस बॉल को क्या कर रहा है कि सीधा सीधा फेंक दे रहा है, यानी कि थ्रोज बॉल टेंजेंशियली, with a speed v not with respect to disc, ठीक है, disc के respect में इससे throw कर दे रहा है। तो हमको final बताना है कि omega कितना होगा और velocity क्या होगा, and final omega is equal to what, ठीक है। फिर से एक बार question repeat कर रहे हैं कि एक turn table है जो कि omega not से घूम रहा है, एक आदमी है जो हाथ में ball लिए खड़ा है edge पे, ठीक है, रेडियस मान लो आर है, यहाँ पे एज पे खड़ा है। अब इसी मोमेंट पे मान लेते हैं कि बॉल को टेंजेंशियली फेंकेगा, टेंजेंशियली यानी कि इधर की तरफ फेंकेगा। तो अगर फेंक रहा है तो हमको बताना है कि जो फाइनल ओमेगा होगा वो कितना होगा।
गया। क्या करेंगे, क्या सोच होगा हमारा? सिर्फ लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम दोनों को कंजर्व करेंगे। लिनियर किसका करेंगे? बॉल प्लस मैन सिस्टम कितना करोगे? करो मेरे को उतना जरूरत है नहीं। वो यहाँ पे हमको टॉर्क से मतलब है, ओमेगा जा रहा है तो हम फोर्स के क्यों लाएंगे? तो एंगुलर मोमेंटम ही कंजर्व कराएंगे। तो इनिशियल हम मोमेंटम लिख रहे हैं, इनिशियली क्या होगा? तो इनिशियल सबका आई लिखेंगे, तो इसका तो आई दे रखा है, तो आई प्लस मैन के लिए एम नॉट, प्लस बॉल के लिए एम, दोनों को एक साथ लिख दे रहे हैं एम आर स्क्वायर। कैपिटल आर लिखे हैं तो कैपिटल आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट, ये हमारा इनिशियली होगा। अगर ये बॉल को फेंक दे रहा है, ठीक है, अगर बॉल को फेंक दे रहा है तब क्या होगा? तो हमको उसमें, उस केस में हमको देखना है कि बॉल को फेंकेगा तो क्या होगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क है वी नॉट, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमको देखना पड़ेगा। तो ये हम सिचुएशन देख रहे हैं, ये ऐसा है, ये ओमेगा नॉट से ऐसा घूम रहा है, यहाँ आदमी था, ये बॉल है, बॉल जब इसके हाथ से छूटा तो वी नॉट था इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस बॉल के पास अगर हम वी बॉल निकालेंगे कि वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हम कह कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू टेबल, अगर हम बात करें तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ टेबल, ऐसा ही लिखते हैं। जो भी टेबल का होगा, रोटेटिंग हो रहा होगा इस पे, यानी कि घूम रहा है तो ओमेगा नॉट आर से तो घूम ही रहा होगा, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा जस्ट फेंकने के बाद, बोलो। ओमेगा वेलोसिटी नॉट ऑफ आर प्लस वी नॉट प्लस ओमेगा, हाँ बेटी, ये क्या हो रहा है, डबल ही होगा। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल ये तो वी नॉट दे रखा है, प्लस ये क्या लिखेंगे? फेंकने के बाद का कहानी हो रहा है, तो फेंकने के जस्ट जैसे ही फेंकना हाथ तो छूटा होगा, तो इसका जो वेलोसिटी हो गया होगा ओमेगा हो गया होगा, तो इसको क्या लिखेंगे? ओमेगा आर। तो ये आ गया हमारा वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि हमको ग्राउंड फ्रेम में ये चीज मिल गया, यानी कि ये जा रहा होगा इधर वी वेलोसिटी से, अगर इसको हम बोल रहे हैं इक्वल टू वी होगा तो, ठीक है। तो अगर ये चीज मिला और फाइनली जो है ये ओमेगा नॉट नहीं है, ओमेगा होगा, फेंक दिया है तो अब इस केस में हम एल फाइनल अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? इसके लिए जब लिखेंगे तो आई प्लस एम नॉट आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस बॉल का भी इस एक्सिस के अबाउट हमको लिखना पड़ेगा। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर हम लिखेंगे तो ये यहाँ पे ऐसा आएगा, तो ये आर वेक्टर है, तो हम लोग बोल देखे थे कि भी इंटू आर परपेंडिकुलर ही लिखना पड़ता है। तो भी इंटू आर परपेंडिकुलर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एम इंटू आर इंटू भी, यानी कि वी नॉट प्लस ओमेगा आर।
ठीक है, ये इक्वेशन हो गया टू, क्योंकि ये चीज हम लिख रहे हैं तो ये हम बोल रहे हैं कि एल ऑफ बॉल है अबाउट एक्सिस, और कोई भी पार्टिकल है तो इसके लिए हम लोग लिखना सीखे थे कि एम आर परपेंडिकुलर इंटू वी होता है, तो आर परपेंडिकुलर हमको आर दिख रहा है, यानी कि ये चीज आर दिख रहा है, अगर ये हम वेक्टर आर लेते तो आर परपेंडिकुलर हमको वही दिखता। तो ये चीज जो लिखे हम एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉल लिखे हैं, और ये चीज मैन प्लस हमारा टर्न टेबल है। अब दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमारा ओमेगा का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। यहां से हम बोल सकते हैं इक्वेट वन एंड टू टू फाइंड ओमेगा, ठीक है। ओमेगा फाइंड करने के लिए हम इससे वो इक्वेट कर देंगे, वैल्यू दिया रहेगा तो इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन नहीं आएगा, प्रोसेस हमको समझना। सेम इसी पे बेस्ट पहले भी हम लोग क्वेश्चन जैसा किए हैं वैसा ही, एक टर्न टेबल है, ठीक है। ये मान लेते हैं ओमेगा नॉट से घूम रहा था, या छोड़ो अभी रेस्ट पे है, ठीक है, रेस्ट पे है। यहाँ पे एक बॉय है खड़ा है, ठीक है, बोल रहा है कि बॉय इसका मास एम है, इसका मास एम, मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई, रेडियस आर, इसका मास की जरूरत पड़ेगा नहीं, फिर भी बॉय जंप्स विथ वेलोसिटी यू विथ रिस्पेक्ट टू टेबल, ठीक है। तो टेबल से विथ रिस्पेक्ट टू जंप कर रहा है, तो फाइंड ओमेगा ऑफ टेबल। जैसे कि यहाँ पे टेबल है जो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, अगर बॉय जो है पेरिफेरी पे खड़ा है और कूदेगा कूदेगा तो ये टेबल रोटेट करेगा। ये हम समझ सकते हैं कि अभी जब कूद रहा होगा तो टॉर्क या एक्सटर्नल टॉर्क कोई कुछ नहीं लग रहा है, तो ये कूदा तो इसको कुछ ना कुछ मोमेंटम मिला, तो उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कुछ मिला, और उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम मिला तो उसके इक्वल एंड अपोजिट टेबल को भी मिलेगा। और हम इस चीज को समझ सकते हैं कि अगर बॉय जंप करेगा तो टेबल रोटेट होगा अपोजिट डायरेक्शन। सेम वैसा है जैसे हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई भी ट्रॉली है उस पर से बॉय जंप कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ भी वैसा ही सिचुएशन है। इसको सॉल्व करो, सर आफ्टर जंप दिया हुआ है ना वेलोसिटी, क्या इनिशियली तो दोनों रेस्ट पे ही हैं, तो आफ्टर ही निकालेंगे। वो दिया हुआ कौन सा है, मतलब वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टेबल बिफोर जंप या फिर आफ्टर जंप? ये चीज दे रखा है हमको विद रिस्पेक्ट टू टेबल, ये इतना से जंप करा, हमको ये फाइंड करना है। जैसे कि एक टेबल है, टेबल पे बालक खड़ा है, खड़ा था उसको मन किया कूदने का, वो कूद गया उतने से, तो बताओ ये क्या होगा। टेबल और बॉय का मास सेम है, टेबल का तो जरूरत नहीं पड़ेगा, इसका हम कैपिटल एम लिखें, ये स्मॉल एम है। M U R by I हम्म,
एम यू आर बाई आई, सिर्फ आई, सिर्फ आई तो नहीं है, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। जैसे कि इस केस में इनिशियली जब रेस्ट में था, जंप उम्प नहीं किया है, तो एल आई तो जीरो है, ठीक है। जब जंप कुछ नहीं करा है, एल आई जीरो है। अब जस्ट जंप करा है, ठीक है ना, कि जस्ट ये मान लेते हैं कि इधर यू से जंप करा, तो ये मान इधर की तरफ ओमेगा से घूमना शुरू किया होगा। तो इसका अगर हम वेलोसिटी ऑफ बॉय लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, यू विथ रिस्पेक्ट टू था, यू माइनस ओमेगा आर हो जाएगा, होगा उल्टा डायरेक्शन है, पिछले में यू प्लस ओमेगा आ यही रहा तो था, पूछा सिंपल। था कि बिफोर जंप इसका वेलोसिटी दिया हुआ है, फिर आफ्टर जंप दिया हुआ है। हम बोले तो कि खड़ा है और कूद रहा है, तो तो बिफोर यू जंप क्या दिया, होगा, मतलब बिफोर जंप आफ्टर जंप, तुम ऐसे सवाल कर रहे हो, जब कूद जाएगा तभी उसके पास वेलोसिटी आएगा, जंप करने से पहले उसके पास वेलोसिटी कहाँ से आएगा, जब अबाउट टू जंप होगा उस समय। हाँ मतलब जो भी समय है, मोमेंट का बात हो रहा है, तो मोमेंट का बात हो रहा है कि एकदम उसी समय, मतलब टाइम समझ सकते हो कि बहुत कम है, ठीक है। अब जंप करेगा ही नहीं तो वेलोसिटी कहाँ से है, यानी कि अब जंप कर गया होगा तभी उसके पास वेलोसिटी आएगा, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि बिफोर जंप उसका वेलोसिटी है तो कैसे कहोगे, ठीक है। हाँ, इसका अगर हम बोलते कि चल रहा है या फिर बाहर से कूद रहा है तो हो सकता था, तो यू प्लस ओमेगा आर होगा। ठीक है। हम मान रहे हैं कि आगे की तरफ कूदेगा, ठीक है, तो इसका जो ओमेगा होगा ये किधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ घूमेगा, बोलो। प्लस यस, करोगे तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन का चेंजिंग होगा और कुछ नहीं, ठीक है, माइनस आ जाएगा आंसर में और कुछ नहीं होने वाला है। ये अगर हम बोल रहे हैं कि यू है विथ रिस्पेक्ट टू टेबल, ठीक है, हम अगर खुद अपने एक्सपीरियंस से देख रहे हैं कि अगर ये इधर की तरफ जंप करता है तो टेबल इसके पीछे की तरफ घूमेगा, इसलिए हम ओमेगा मान लिए उधर, ठीक है। तो अगर हम ओमेगा मान लिए उधर, तो इस ओमेगा की वजह से इधर आएगा ओमेगा आर, तो हम यहाँ पे खड़ा एक आदमी क्या देख रहा होगा, इसका वेलोसिटी देख रहा होगा यू माइनस ओमेगा आर, दोनों अलग डायरेक्शन में। अगर तुम इस ओमेगा को इधर ही डायरेक्शन मान लोगे तो यहाँ पे प्लस आएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, प्लस आएगा, ओमेगा फाइंड करना है, हमारा जो फाइनल आंसर होगा उसमें सिर्फ साइन का चेंज होगा, ठीक है। तो ये चीज आ गया। अब हमको क्या करना है कि ये जो है हमारा एक्सिस है, तो इस एक्सिस के अबाउट एल फाइनल लिखना है, तो एल फाइनल लिखेंगे तो हमको दिख रहा है इसके लिए आई इंटू ओमेगा, उल्टा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज है, ऊपर जा रहा है, प्लस ले रहे हैं, इसके कारण लिखेंगे तो माइनस ले लेंगे, और क्या करेंगे, मान से इसका एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा आर, और वेलोसिटी आया यू माइनस ओमेगा आर, ठीक है। और ये जो है एल इनिशियल के बराबर है, तो एल इनिशियल था हमारा जीरो, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आई ओमेगा इज इक्वल टू एम यू आर माइनस एम, ठीक है, एम आर स्क्वायर ओमेगा, ये आ रहा है, तो आ जा रहा है एम यू आर बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर। इस वाले में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, ये वाला हम कैसे लिख रहे हैं, देखो फिर से हम बता देते हैं, लास्ट क्लास हम लोग बताए थे, फिर भी यहाँ से जब ये जंप करा, मान लेते हैं कि यहाँ पे पहुंच गया, इधर जा रहा था वेलोसिटी वी से,
इसके लिए जो रेडियस वेक्टर होगा वो ये वेक्टर आर होगा, इधर की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो एंगल थीटा, तो ये भी एंगल आएगा हमारा थीटा, तो आर है, तो हमारा एल जो लिखते हैं एम बी आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा थीटा है, तो ये हमारा दिख रहा है आर साइन थीटा, जिसको हम लोग आर परपेंडिकुलर बोल दे रहे हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं एम बी आर परपेंडिकुलर, यही चीज हम बार बार यूज कर इस चीज में, अगर कंफ्यूजन है तो ये चीज है, बाकी और कुछ में कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वही बोल रहे हो कि इसका डायरेक्शन हम उल्टा ऐसा माने होते हैं, इसका डायरेक्शन ओमेगा का अगर आगे की तरफ माने होते तो यहाँ पे प्लस आता, ठीक है, यहाँ पे प्लस होता, यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता, ठीक है, तो उस पे वैल्यू डिपेंड करता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा ही है, ठीक है पहले इजी करते हैं, यहाँ पे बॉय खड़ा है, वही सब चीज डेटा सेम मानना है कि इसका आई रेडियस आर, बॉय का मास एम, ठीक है, बॉय का मास एम है, बोल रहा है कि चाइल्ड स्टार्ट्स वॉकिंग ऑन पेरिफेरी, यानी कि चाइल्ड स्टार्ट्स वॉकिंग, ऑन पेरिफेरी, पेरिफेरी किसको कहते हैं, साइड उस पोजीशन को हाँ ठीक है, चाइल्ड जो है स्टार्ट करने लगा, पेरिफेरी पे घूमने लगा, तो बोल रहा है कि फाइंड, मान लेते हैं ये कह रहा है कि ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन जहाँ है इसको मार्क कर दिया कि ये पोजीशन ए है, ठीक है, जहां से स्टार्ट करा है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, कह रहा है कि फाइंड एंगल रोटेटेड रोटेटेड बाय बॉय, बॉय या चाइल्ड जो भी है, टू रीच अगेन, ऑन स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए उसे कितना एंगल चलना पड़ा होगा, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा ए है उस पोजीशन पे जाने के लिए उसको कितना चलना पड़ा होगा, ठीक है, ठीक टेबल इनिशियली रेस्ट पे था, क्या, टेबल इनिशियली रेस्ट पे था, हाँ टेबल ने से लेने, उसके चलने की वजह से ही रोटेट करेगा,
जैसे सोचो कि अगर बॉय जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो टेबल जो है क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू करेगा। यस सर, हो गया। देखो क्या होगा। एक्सेलरेट करेगा टेबल, तो टॉर्क जीरो है तो एक्सेलरेशन कैसे लाएंगे हम? मैन तो फोर्स लगा रहा होगा ना। तो पूरे सिस्टम को मान लेंगे तो दोनों क्या होगा, इंटरनल होगा, ये इधर एक्सेलरेट कर रहा होगा उधर उससे, क्या पूरा तो इंटरनल ही ना होगा हमारा। यस सर, जितना तेज ये दौड़ेगा उतना तेज ये भी रोटेट होगा। ठीक है, सिचुएशन हम ये समझ पा रहे हैं कि ये जो है, मान लेते हैं कि ये आदमी जो है इधर की तरफ घूमना शुरू किया, तो ये जब इधर आना शुरू करेगा तो ये जो है इधर रोटेट होना शुरू करेगा टेबल। ठीक है, यानी कि अगर इसको टेबल नहीं रोटेट करता तो इसको टोटल घूम फिर के यहीं पे आना होता, तो 2 पाई चलना होता। लेकिन अब क्या हो रहा है कि टेबल भी रोटेट कर रहा है, ये इधर आ रहा है। मान लेते हैं कि ये यहाँ तक आया और ये मिल गया, ठीक है, यानी कि हम मान लेते हैं ये एंगल कितना चला, थीटा। ठीक है, तो इसको नए फिगर में देते हैं, ये पॉइंट सर पाई हमारा के इक्वल इनिशियल। होगा, हाँ, पाई के इक्वल होगा पाई के नहीं थीटा, क्या? थीटा इक्वल्स टू पाई। हाँ सर पाई, नहीं, वो डिपेंड करेगा कितना मासेस है। अगर दोनों का मास सेम ले रखे हैं तो कुछ आएगा, मतलब इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, देखते हैं कितना आता है इस केस में, उसके बाद देखते हैं कितना आएगा। जैसे ए है तो हम मान लेते हैं कि यहाँ था, ये इधर चलना शुरू किया, मान लेते हैं कि कहीं किसी भी एंगल थीटा, यानी कि थीटा जो है, थीटा हम बोल रहे हैं कि एंगल मूव्ड बाय, यानी कि चाइल्ड जो है इतना चला है। तो सोचो कि चाइल्ड जब इतना चला है फिर से पॉइंट पे मिल गया, तो जो हमारे डिस्क है, यानी कि हम चाइल्ड को बोल रहे हैं इधर गया है, तो डिस्क तो इधर रोटेट कर रहा है, तो डिस्क का ए पॉइंट यहाँ पे जब आ रहा है तो डिस्क कितना रोटेट हुआ होगा, 2π-θ। यस सर, ठीक है, यानी कि 2π-θ जो होगा एंगल मूव्ड बाई, हम बोल सकते हैं कि टेबल है, यानी कि टेबल जो है इतना एंगल मूव करा होगा, तभी जाके हमारा जिस पॉइंट से चले थे वो पॉइंट हमको मिला होगा। इतना बात में क्लियर है? हम जानते हैं कि एल इनिशियल जो है 0 है, एल फाइनल हमारा क्या होगा,
तो एल फाइनल हम बोल सकते हैं एल बॉय, ठीक है, जैसे आई ऑफ वाई इंटू ओमेगा ऑफ बॉय प्लस आई ऑफ डिस्क इंटू ओमेगा ऑफ डिस्क, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, बोलो बोलो। दोनों का तो ओमेगा डिफरेंट है एक्सेस होना। अब डिफरेंट हो सेम हो, हम तो यहाँ बस ऐसे ही जनरल लिख रहे हैं, हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना भी नहीं है। हम बोल रहे हैं कि अगर दोनों डिफरेंट होता, सेम होता, कुछ भी होता, हम ऐसे ही लिखते। यस सर, ठीक है, यानी कि हमको उसके एक्सिस के अबाउट लिखना था, हमको टोटल एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉय लिखते और एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क लिखते। डायरेक्शन अलग होता तो माइनस लिखते, सेम होता तो प्लस लिखते, ऐसे ही। इनिशियल जीरो है, फाइनल इतना है, और हम जान रहे हैं कि इनिशियल फाइनल के बराबर होगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं सिंस एल आई इक्वल टू एल फाइनल, तो हम बोल सकते हैं कि आई बॉय ओमेगा बॉय इक्वल टू आई डिस्क ओमेगा डिस्क होना चाहिए। क्लियर है, दोनों ये होना चाहिए। हम समझ रहे हैं कि एक दोनों का जोड़ जीरो होना है, तो डायरेक्शन अपोजिट होगा, यानी कि ऐसा कुछ होगा, आई निगेटिव हो नहीं सकता है तो ओमेगा निगेटिव होगा। इतना बात में क्लियर है। तो हम जानते हैं चीज की ओमेगा जो होता है डी थीटा बाई डी टी होता है, दोनों केस में समय जो लगा है वो सेम लगा है, तो हम इसको लिख सकते थे कि आई ऑफ बॉय डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टाइम, ठीक है, डेल्टा थीटा बॉय बाय डेल्टा टाइम इक्वल टू आई डिस्क डेल्टा थीटा डिस्क बाय डेल्टा टाइम। दोनों केस में जो टाइम लगा है हमारा सेम लगा होगा, ऐसा नहीं होगा कि बॉय चल के रुक गया फिर डिस्क चलते चलते रोटेट होते हुए आ रहा है, ऐसा होगा क्या? दोनों साथ साथ हुआ है, साथ साथ चलना शुरू किया, साथ साथ मिला, तो समय सेम लगा होगा। तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि यानी कि आई वन थीटा वन इक्वल टू आई टू थीटा टू, ऐसा लिख सकते हैं। थीटा वन यानी कि फर्स्ट जितना चला, सेकंड जितना चला। याद करो सेंटर ऑफ मास में हम लोग ऐसा यूज करते थे, एम वन एक्स वन इक्वल टू एम टू, तो वही चीज यहाँ भी आ जा रहा है। हाँ, तो यहाँ भी वही चीज आ जा रहा है। तो यहाँ से अगर हम मैन का बोले चाइल्ड है तो एम आर स्क्वायर इंटू थीटा वन, थीटा वन थीटा चला था, डिस्क है डिस्क का आई है मतलब टेबल का आई है, ये चला है टू पाई माइनस थीटा, ठीक है। आई का अगर हम इससे थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से डिस्क देता तो ये एम आर स्क्वायर बाई टू होता, सेम मास रहता, यानी कि इफ आई इजकल टू एम आर स्क्वायर बाई टू, अगर ये होता तो हम क्या लिखते, थीटा इजकल टू वन बाई टू इंटू टू पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, थ्री थीटा इजकल टू टू पाई, यानी कि थीटा इजकल टू टू पाई बाई थ्री, ये आ रहा है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, अगर हम डिस्क मानते आई इजकल टू सेम मास रहता एम आर स्क्वायर बाई टू लेते, यहाँ से वन बाई टू होता टू थीटा, ठीक है। रिंग होता तो तब आ जाता, रिंग होता सेम मास का होता तब आ जाता, ठीक, हाँ तब पाई आ जाता। बात समझ आया? तो हम लोग यहाँ पे देखें कि जब वो चलना शुरू करा, तो चलना शुरू किया तो क्या हुआ कि कोई भी मतलब किसी का भी कुछ भी नहीं था, तो कितना एंगल रोटेट करेगा, टॉर्क जीरो, यानी कि हम मोमेंटम कंजर्व करा लिए। मोमेंटम कंजर्व करा रहे हैं इसका मतलब कि वहां पे हम लिखते थे एम वन बी वन प्लस एम टू बी टू इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि एम वन एक्स वन, फिर लिखते थे एम वन एक्स वन इक्वल टू एम प्लस एम टू एक्स टू इक्वल टू जीरो, तो वैसे ही यहाँ पे हम लिख रहे हैं आई वन थीटा वन इक्वल टू आई टू थीटा टू। इसी क्वेश्चन में ऐसा भी कहा जा सकता था कि टेबल जो है किसी एंगल से रोटेट कर रहा है थीटा वन, ठीक है, थीटा वन से रोटेट कर रहा है, अब लड़का चलना शुरू किया तब फाइनल बताओ, तो ऐसे ऐसे सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं।
जैसे ठीक है होमवर्क है, मान लेते हैं कि टेबल जो है किसी ओमेगा नॉट से चल रहा है, ये बॉय है यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, इसका आई आर बोल रहे हैं और इसका मास एम बोल रहे हैं, बोल रहा है कि बॉय स्टार्ट्स वॉकिंग विथ स्पीड यू विथ रिस्पेक्ट टू टेबल अलोंग पेरिफेरी, ठीक है, पेरिफेरी के अलोंग मूव करना शुरू कर दिया है, कितने स्पीड से, यू स्पीड से विथ रिस्पेक्ट टू टेबल है, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट भी दे दे रहे, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया, तब बोल रहा है कि फाइंड फाइनल ओमेगा, ओमेगा ऑफ सिस्टम, यानी कि इसका जो टेबल होगा साथ साथ जब चल रहा होगा तो उसका फाइनल ओमेगा कितना होगा ये बताओ, होमवर्क है ट्राई करना। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल दिए जाएंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कराना है तो स्केटिंग वाला प्रॉब्लम हो सकता है, बोलेगा कि एक मैन है चेयर पे खड़ा है, चेयर पे बैठा है, रोटेट कर रहा है, इसी बार में दिया है इसलिए हम नहीं करा रहे हैं, चेयर पे रोटेट कर रहा है, जब हाथ फैलाएगा तो इतना ओमेगा है, जब हाथ उसका सिकुड़ लिया तो आई इतना हो गया, तो बताओ ओमेगा कितना होगा। एक आदमी है रस्सी घुमा रहा है, घुमा रहा है, उसका लेंथ घटा दिया, तब ओमेगा कितना होगा, ऐसे सवाल दिए जाएंगे, ठीक है, यानी कि एक कर ही लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे खोल है सर क्या, क्या बोल रहे हो, स्क्रीनशॉट आवाज नहीं आ रहा, सर स्क्रीनशॉट ले रहा था ऊपर करने के लिए बोल रहा था। अच्छा सर उत्तर ले लिया होगा वो स्क्रीनशॉट, सर स्क्रीनशॉट लेते हैं, लिखता नहीं है, नहीं सर लिखा करो ठीक है, ऐसा दे सकता है कि एक हॉरिजेंटल सरफेस है यहाँ पे, एक होल है, होल से ये रस्सी जा रहा है, ठीक है, ये V1 स्पीड से ऐसा घूम रहा होगा, मतलब ऐसे सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, ये R1 रेडियस है, बोल रहा है कि अगर हम इसको इधर से खींच दें, यानी कि इफ R1 रिड्यूसेस टू R2 स्लोली, ठीक है, स्लोली हम घिसते घिसते इसका रेडियस जो है R2 कर दे रहे हैं, यानी कि R2 लेस देन R1 है, ठीक है, इधर से हम खींचेंगे तो इसका रेडियस घटेगा, घटेगा, यहाँ पे V1 से हमको घूमता हुआ दिख रहा है, तो हमसे पूछेगा कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, यानी कि जब R2 रेडियस है इसमें तो इस समय इसका वेलोसिटी कितना होगा, यानी कि V2 का वैल्यू हमको बताना होगा, फाइनल वेलोसिटी अगर हम V2 का बात करें, V2 कितना, V1 के टर्म में दे सकता है, हो सकता है ओमेगा के टर्म में दे दे, ठीक है, तो किसी भी केसेस में इसको दिया जा सकता है, इसमें भी काम वही करना है कि इनिशियली I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 हो जाएगा, इसको भी हम होमवर्क दे रहे हैं, क्वेश्चन क्लियर है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा होता है, मोशन में होता है, तो हम बोलते हैं कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, यानी
यानी कि अगर कोई बॉडी कोई मोस वो पार्टिकल अगर मूव कर रहा है या रोटेट कर रहा है यानी कि वो भी मोशन में है और वो भी मोशन में है तो उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होगा। तो किसी भी रिजिड बॉडी के लिए हम अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं तो मान लेते हैं ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट ऐसा ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मास m1 है, इसका कुछ वेलोसिटी v1 है r1 दूरी पे, वैसे ही मास m2 है, इसका v2 वेलोसिटी है, ये r2 दूरी पे है। तो ऐसे ही अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल के लिखेंगे तो हाफ एम वन भी वन स्क्वायर भी हम जानते हैं कि हम भी को आर ओमेगा लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं हाफ एम वन आर वन स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। वैसे ही काइनेटिक एनर्जी टू लिखेंगे तो हाफ एम टू वी टू स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वन आर वन स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। आंसर क्या आएगा ये बात समझ में तुम लोग को आ रहा होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या दिख रहा है, हाफ ओमेगा स्क्वायर को हम कॉमन ले लिए, यहाँ से दिख रहा है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और m1 m1 m2 ऐसा ये चीज आई दिख रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर रोटेशन का बात कर रहे हैं तो ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यानी जिस भी एक्सिस के अबाउट फाइंड रोटेट कर रहा होगा उसी के अबाउट ये आई लेना है, जिस भी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है उसी के अबाउट का ये आई होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी आंसर जा रहा है हमारा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हम एनर्जी भी अब लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल का कि कितना क्या आएगा। जैसे इस पे क्वेश्चन किया दे सकता है कि मान लेते हैं एक रॉड है, यहाँ पे ऐसा है फिक्स्ड, ठीक है। अब यहाँ इस पोजीशन से इसको रिलीज्ड कर दिए, इसका मास सेम है लेंथ एल है, रिलीज्ड। तो पूछेगा कि जब ये ऐसा पोजीशन में आ जा रहा है तो यहाँ इसके पास कुछ ओमेगा होगा, वो कितना होगा बता सकते हैं, बताओ जल्दी। कितना आ रहा है एनर्जी का सर्च करेंगे ना सर? हाँ और क्या करते हैं, एल लेंथ है इसका सेंटर ऑफ मास इतना आ जाएगा कहाँ पे, एल बाई टू पे, ठीक है। तो इनिशियली देखें तो हम एक मिनट सॉल्व करने आप अपना नंबर दे देना, हेलो रूट थ्री जी बाई एल, ठीक है। बाकी लोग का ठीक है, हम इसको डेटम लेवल मान सकते हैं, क्या सर डॉटम लेवल
कभी यूज नहीं किए गए इसको। वही रेफरेंस लाइन को बोलते हैं ना, रेफरेंस लाइन को ही बोलते हैं। ठीक है, दूसरा टर्म है, ठीक है, हमको भी याद है कि हम कभी यूज नहीं किए हैं, आज देख रहे थे क्वेश्चन तो उसमें था तो कहीं की बता देते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डॉटम लेवल, यानी रेफरेंस लेवल जो होता है उसी को मान लेते हैं। तो इनिशियली इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, यानी कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। तो ये कितना है MgL by 2, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, हम इसी को अच्छा रेफरेंस हाँ लेवल ठीक ले है लें। सर। ठीक है, और इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो हाफ आई एम एल स्क्वायर बाई 3 into ओमेगा, यही होगा, ओमेगा से घूम रहा है तो जिस एक्सिस के अबाउट है तो उस एक्सिस के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है। ये 2 से 2 गया, एक एल से एक एल चला जाएगा, तो ओमेगा हमको कितना आ जाएगा, जी बाई एल √3gL/√3gL, ये आ रहा। ठीक है, तो ये चीज काइनेटिक एनर्जी होगा हमारा, कि अगर हम किसी भी पार्टिकल का बात कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा हमारा ये चीज। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि ओमेगा दिया रहेगा तो सक्सेस के अबाउट आई निकालेंगे, सब करके आराम से लिख लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिर कौन सा क्वेश्चन में बड़ी बात रहेगी, हर क्वेश्चन बड़ा के बाद बात तो ये बोलते हो जाता है, कुछ वर्ड जो है बार बार बोलने का आदत हो जाता है, और क्या। ठीक है, जैसे ठीक है भी बहुत बार बोलते हैं, हैं सर। क्लासेस इससे शुरुआत उसी गाने से होता है, क्या। क्लास का शुरुआत उसी वर्ड से होता है। गाना भी निकल गया था ना, ठीक है। यस सर, वैसे भी बिहार में ये वर्ड बहुत यूज होता है हर बात में लगभग, ठीक है। ठीक है, चलो लिखते हैं। तो ये था हमारा कि काइनेटिक एनर्जी का रोटेशन के वास्ते लिखना हो किसी भी एक्सिस के अबाउट तो आई लिखेंगे, और उसके अबाउट हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सेम टू सेम वैसे ही हाफ एम ओमेगा स्क्वायर लिखे थे वैसे ही। ठीक है, तो अगर हम बोल रहे हैं कि ये चीज था है हमारा, वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इन रोटेशन कैसे लिखेंगे, तुम लोग बताओ, रिलेट कर इतना पढ़ने के बाद क्या नेटवर्क लिखना है। में इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो तो वर्क एनर्जी थ्योरम था, हम सिर्फ वर्क डन बोल रहे हैं, क्या यूज करेंगे, वर्क डन ट्रांसलेशनल का हम यूज करते थे, क्या चीज बोलो, इंटीग्रल ये करते थे। अब यहाँ पे है कि कोई एक पार्टिकल है, चलो हम यहाँ से बोल रहे हैं कि मास एम है, इसको हम यहाँ से एफ फोर्स लगा के आर रेडियस है इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं एफ फोर्स लगाकर, तो इसके लिए हम इस एक्सिस के अबाउट अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यानी कि टॉर्क के टर्म में देख लो, डायरेक्ट लिखते हैं उठा यहाँ से हम यहाँ तक ऐसे इसको रोटेट किए, तो एंगल मूव करा होगा डी थीटा, फोर्स के कारण टॉर्क लगा होगा। तो वर्क डन रोटेशन में अगर हमको लिखना होगा तो हम इसको डिफाइन करेंगे इंटीग्रल टॉर्क डॉट डी थीटा। ठीक है, फोर्स की जगह टॉर्क, और जो डिस्प्लेसमेंट होता था यहाँ पे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं, तो टॉर्क इंटू डी थीटा। देखो टॉर्क का डायरेक्शन भी ऊपर ही आएगा, अगर इधर रोटेट कर रहा है तो टॉर्क का डायरेक्शन भी आउट ऑफ द प्लेन, और डी थीटा भी आउट ऑफ द प्लेन, तो इस केस में वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। अगर टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में अगर रोटेट कर रहा है तो ओमेगा वर्क डन निगेटिव हो जाएगा। इतना बात क्लियर है,
इस केस में अगर हमको यूज करना है तो हम ऐसे यूज करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे अगर हम थीटा यूज कर रहे हैं यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं, तो एक सवाल पूछेंगे, सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान चुके हो, ठीक है? तो ऐसे ही क्वेश्चन है, तो थीटा डायमेंशन लेस होता है ना? हाँ ठीक है। एक पार्टिकल है, यहाँ था ए पोजीशन पे, यहाँ तक चला गया बी पोजीशन पे, ये जो 90 डिग्री मूव किया या पाई बाई टू मूव किया, ये वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट या नहीं है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है इसे भी जाने में? यानी कि ये सवाल ऐसा होता कि अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं तो एक स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या नहीं है, लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या फिर स्मॉल वेक्टर नहीं होगा, बड़ा वेक्टर होगा? नहीं, उल्टा होता है। स्मॉल चेंज जो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, यानी कि छोटा सा अगर चेंज लेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी लेंगे, और अगर लार्जर डिस्टेंस लेते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, ठीक है? हाँ, टोटल थोड़ा थोड़ा करके हम पूरा जोड़ रहे हैं तो डायरेक्शन अपवर्ड आएगा, डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, ठीक है? वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए यहाँ पे एक चीज और बोला जाता है कि वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए, साथ साथ ए प्लस बी यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर शुड बी इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, यानी एसोसिएटिव इन नेचर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट फॉलो नहीं करता है, ये चीज फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाता। लेकिन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर का ही बात कर रहे हैं, नहीं करता तो हम क्या कर सकते हैं? तो एग्जांपल दिखाइए, नहीं कर रहा, सामने रहते तो बता देते। चलो बोलेंगे वैसा करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? हाथ में अपना एक कॉपी पकड़ो सब, ठीक है? कॉपी को ऐसे फ्लैट सामने की तरफ रखो, हो गया yes, sir. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ऐसा डिस्प्लेस करो, थोड़ा सा बस कम एंगल, हो गया? तो एक्सिस जैसे कि अगर सामने पकड़ के रखे हो, जैसे चोर लोग फोटो खींचते हैं ना स्लेट पकड़ के, वैसे पकड़े हो तो अपने सामने की तरफ थोड़ा सा, यानी कि एंगल जो होना चाहिए बहुत कम होना चाहिए, मिडिल एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट हम थोड़ा सा एंगल, यानी कि ऐसा हमारा शेप हो जाएगा। बात समझ आया? हो गया? हाथ में कॉपी पकड़े हुए तो अनम्यूट कैसे करेंगे अपने आपको? अरे तो अनम्यूट क्या करना है, दो चार लोग वो करते रहो, ठीक है? म्यूट नहीं करो मतलब बोलते रहो, और क्या, कितना हो गया? ठीक है, तो जब ये ऐसा आ गया हमारा इस एक्सिस के अबाउट, तो अब इस एक्सिस के अबाउट थोड़ा सा ऐसा डिस्प्लेस करना है, ऐसा इस एक्सिस में बहुत कम, हो गया? Yes, sir. Yes. ठीक है, हाँ, तो ये कुछ ऐसा सर, सेट में हमको मिला होगा। हो गया तो सर मेरा मिस हो गया, चलो ठीक है। जैसे कि फर्स्ट कह रहे हैं कि हम सामने पकड़े हैं तो इसको थोड़ा सा आगे की तरफ झुकाएंगे, आगे की तरफ थोड़ा सा, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ हुआ,
ठीक है, अब इस पोजीशन पे ऐसा था यानी कि ऐसा था, तो अब इसको हम ऐसा थोड़ा सा रोटेट कर दिया, तो इस केस में हमारा ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, यानी कि हम बोल रहे हैं थीटा वन, इसको बोल रहे हैं थीटा टू। फिगर समझ में आ रहा है कि हम कॉपी को थोड़ा सा आगे की तरफ झुकाए, आगे की तरफ झुकाने के बाद थोड़ा सा राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ। यस सर, हो गया? यस सर, हाँ, अब फिर से जिस पोजीशन में पहला था इसी पोजीशन में लाओ, और पहले जो थीटा टू जैसा रोटेट कर रहे हो वैसे रोटेट करो, फिर थीटा वन की तरह रोटेट करो। हो गया? क्या दोनों केस में सेम डायरेक्शन आ रहा है, यानी कि इस केस में देख रहे हैं तो इसका डायरेक्शन जो है ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है, और अगर हम पहले इसको ऐसे थीटा टू जैसा रोटेट करें और फिर हम इसके जैसा रोटेट करें तो फिर से यही डायरेक्शन आ रहा है, मिल रहा है? बोलो, प्रैक्टिस सर वो करके देख लो। ड्रॉप किए हैं हो रहा है क्या? सर, रेड कलर से क्या एरो ड्रॉप किए हैं? अरे इस एरिया का डायरेक्शन बताएं और कुछ नहीं, जैसे हमको ये जो सरफेस है इधर की तरफ देता दिख रहा होगा, यस सर, ठीक है, इधर की तरफ दिख रहा होगा। अब पहले हम कह रहे हैं कि पहले थीटा की टू की तरफ दिखना, एक मिनट। हेलो, हाँ, एक अनुज नाम है, ठीक। हेलो हेलो, देखो यस सर, पहले जो था हमारा ऐसा प्लेट था, ठीक है, इसलिए बोल रहे थे अगर सामने रहते तो अच्छे से करके दिखा देते। अब क्या कर रहे हैं, इसको पहले ऐसा इसके अबाउट रोटेट करो तो हमारा जो शेप मिलेगा। वीडियो हाँ, ऑन कर लीजिए, मैं टैब है इसमें कैसे चलेगा, कैमरा यही थोड़े बोलने वाला था, फ्रंट कैमरा नहीं है। है, लेकिन फिर पता नहीं क्या होगा। देखो जैसे समझ समझो इसको, अगर ये हमारा इनिशियल मोमेंटम था, इनिशियल पोजीशन था, इसको हम इधर रोटेट करें थीटा टू को जैसा, अब इसको इस के बाद थोड़ा सा ऐसा आगे की तरफ झुका दें, यानी कि पहले इसमें आगे की तरफ झुकाए थे, फिर इसको इस एक्सिस के बाद ऐसा थोड़ा सा टिल्ट कर रहे थे, आगे इसको पहले टिल्ट कर लिए इधर की तरफ, अब इसको आगे की तरफ झुका रहे हैं, तो दोनों इसमें हमको सेम डायरेक्शन दिख रहा है, यानी कि सेम शेप मिल रहा है। चलो ये थोड़ा सा के लिए है, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना। अब हम बता रहे हैं ज्यादा ज्यादा के लिए, ये जो कॉपी पकड़े हो हाथ में ऐसा, इसको पूरा 90 डिग्री ऐसे घुमा दो, ऐसा 90 डिग्री घुमाओ, ठीक है, तो हमको ऐसा कुछ मिल जाएगा, मिलेगा? बोलो, यस सर, ठीक है, अब इसको ऐसा 90 डिग्री में घुमा दे रहे हैं, तो ये हमको ऐसा मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है? अब हम क्या कर रहे हैं, फिर से यही था हमारा, इसको हम पहले ऐसा रोटेट कर दे रहे हैं, तो हमको ऐसा कुछ मिलेगा, कॉपी है, कॉपी की तरह देखना, ठीक है, यहाँ पे हमको बड़ा बॉक्स दिख रहा है, इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसा 90 डिग्री दे रोटेट करेंगे, तो हमको ऐसा मिल रहा है, यानी कि फाइनल और इनिशियल दोनों हमको सेम नहीं मिल रहा है, यानी कि अगर हम इसको ए बोले, इसको बी चेंज बोले, इसको बी बोल रहे हैं, इसको ए बोल रहे हैं, तो ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू बी प्लस ए आ रहा है लार्जर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, और वेक्टर में हम लोग पढ़े थे कि इस लॉ को फॉलो करता है।
इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये लार्जर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए ये चीज नहीं होता है, लेकिन अगर स्मॉल के लिए अगर ऐसा ही जैसे इसमें हम लार्ज के लिए बता रहे हैं तो स्मॉल के लिए थोड़ा सा चेंज कर करके देखो, तो उसके लिए पता चलेगा कि ये और ये फाइनल जो पोजिशन आ रहे हैं हमारे वो दोनों सेम आ रहे होंगे, ठीक है। यानी कि छोटे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉलो होता है लेकिन लार्जर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉलो नहीं होता है। क्लियर है? सेकेंड स्टेप एक्सप्लेन करिए ना, पहला तो हो गया जो पहले बी कर रहा है फिर ए कर रहा है, उसमें अलग कैसे आ रहा है? हेलो नहीं समझे क्या बोल रहे हो? हाँ सर, जो सेकेंड लाइन में मतलब पहला वाला जो था कि पहले ए किया फिर बी किया, उसमें ऐसा आया, फिर पहले बी किया फिर ए किया, वो लोग से बताइए। जैसे कि कॉपी को तुम ऐसा पकड़े हो, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करो तो ऐसा फ्लैट हो जाएगा, कॉपी तुम सामने की तरफ करके रखते हो, ठीक है, पकड़ के रखो कॉपी दोनों हाथ में और बोलना, ठीक ये है, सर वैसे स्लेट जैसा ना, सामने की तरफ है, हाँ स्लेट जैसा, उसको अब 90 डिग्री रोटेट करके फ्लैट कर लो, ऐसा हो गया। यस सर, हो गया। अब उसको क्या कर रहे हैं कि ऐसा था तो इस इंड नीचे और इस इंड को ऊपर ले गए, ये सब मिलेगा। इसे खड़ा कर दिए कॉपी को इस एक्सिस, हाँ यानी कि ऐसा पकड़े थे हम, मिला, यानी कि ये पॉइंटिंग टुवर्ड्स मान लेते हैं कि जो हमारा फ्रंट था, फ्रंट स्पेस का इधर वाला पीछे वाला जो था वो अब इधर, यानी कि ये हम नीचे वाले को 1 बोल रहे हैं, ऊपर वाला 2 बोल रहे हैं, तो 1 होगा और ये 2 होगा, ऐसा आ रहा है? आ रहा है कॉपी? फिर अभी अटक गया था, अभी आ रहा है 1 2, अब क्या लिखे? तो इतना आ रहा है, बताओ फर्स्ट केस में से आ रहा है या नहीं, आ रहा तो बोल लो। अरविंद, हाँ सर, ज्योत्सना, हाँ, अब सेकेंड में क्या है कि पहले हम कॉपी को ऐसा पकड़े थे, ठीक है, ऐसा पकड़े थे, तो इसको पहले हम ऐसे ऊपर ले गए और इसको नीचे ले गए, तो ये हमारा जो है इस एक्सिस के अबाउट ऐसा रोटेट कर गया और ये हमको ऐसा मिला, यानी कि पहले हम जैसे यहाँ रोटेट करे थे यहाँ पे अभी रोटेट कर लिए, अब ऐसा मिल गया। तो फर्स्ट में हम क्या किए थे कि इस एक्सिस के अबाउट हम इसको ऐसा रोटेट करे थे, तो अब वैसा ही हम इस एक्सिस के अबाउट इसको ऐसा रोटेट करें, तो अब हमारा ये जो कॉपी मिल रहा है ऐसा मिल रहा है। तो ये शेप और ये शेप सेम नहीं है, यानी अगर हम वेक्टर मान रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो दोनों का हमारा डायरेक्शन सेम आना चाहिए, यानी कि ए प्लस बी, बी प्लस ए सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये नहीं हो रहा है इसलिए ये वेक्टर नहीं है। यस सर, लेकिन वो स्मॉल के लिए यही चीज करके देखोगे तो सेम आ जाएगा, ठीक है। कहाँ का टॉपिक कहाँ गया, ठीक है, जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है तब बताया जाता है, ठीक। तो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में बोला जाए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर स्मॉल हो तो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। और यहाँ पे हमें कुछ और सीखने को मिल रहा है कि वेक्टर होने के लिए देखो सबसे पहले ऊपर से वेक्टर यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, करंट आया और इस घमंड को तोड़ दिया, है ना,
बस मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वेक्टर नहीं है। तो बोले कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए, सब करता रहा लेकिन ये आया तो ये इस चीज को फॉलो नहीं करता, इसलिए भी वेक्टर नहीं। लोग को सिलेबस से ज्यादा और कुछ नहीं, इतना बात क्लियर है। हम लोग कहाँ थे? ठीक है, तो ऑथर डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा सा बात। नाउ हम लोग अपने टॉपिक आते हैं, तो वर्क डन रोटेशन का अगर बात कर रहे हैं, तो रोटेशनल वर्क डन अगर जो होगा तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं टॉ इंटू डी थीटा। और सिमिलरली हम कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हमको कहा जाए, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होगा, तो वर्क एनर्जी थ्योरम हम पढ़े थे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ भी यही चीज होगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर रोटेट हो रहा होगा तो वर्क डन बाय ऑल टॉर्क, भी टॉर्क लग रहा होगा सबके कारण, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। अगर फोर्स भी लग रहा है, टॉर्क भी लग रहा है, आगे चल के देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो भी टॉर्क के कारण होगा, जो भी फोर्स के कारण होगा, जिसके कारण जो भी वर्क हो रहा है, सब वर्क जोड़ के यहाँ पे वर्क डन बाय यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब इस साइकिल का चक्का जो होता है, ऐसे रोटेट भी कर रहा होता है, आगे भी जा रहा होता है, तो इसमें रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो दोनों लिखेंगे, सिर्फ रोटेशन वाला ही नहीं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का अगर बात हो रहा है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में यहाँ पे जो भी लिखेंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, चेंज जो भी होगा यहाँ पे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस या फिर फोर्स वगैरह होगा तो एनर्जी नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कब आता है? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चेंज इन, तो सेंटर मास का काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा? होगा, वही तो बोल रहे हैं कि साइकिल जो है ऐसा आगे की तरफ जा रहा है, तो आगे की तरफ कौन जा रहा है? उसका सेंटर मास रोटेट ही कर रहा है। इस केस में हम टोटल लिखेंगे ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, तो अभी हम कंबाइंड मोशन पे आए नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट केस मान लो कि कल के कल जो भी क्लास होगा उसमें लोग सब चीजें शुरू कर देंगे। अगर साइकिल मूव कर रहा है, साइकिल मूव कर रहा है, इसका हर पार्टिकल जा रहा होगा, रोटेट भी कर रहा होगा, इसको बोलते हैं हम कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। सबसे पहले देखे थे हम लोग सिर्फ ट्रांसलेशन का बात करते हैं, अभी तक देख रहे हैं सिर्फ रोटेट कर रहे हैं, किसी एक्सिस के अबाउट घुमा रहे, आगे किसी को नहीं बढ़ाए। एक लेक्चर के बाद, नील के बाद वाले लेक्चर में हम लोग रोटेट आगे भी जाएगा, तो ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे जा रहा है और इसके अबाउट ऐसा रोटेट भी होता है। हेलो, यस सर, कट कट के आ रहा था आवाज। यस सर, कट कट के आ रहा था आपका आवाज कट कट के भी आ रहा, तो स्क्रीन भी टोटली शेयर नहीं हो रहा था, आपका टाइम ची अलग था, 8:06 दिखा रहा था। ठीक है, मेरा जो है डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से कनेक्ट हुआ है। नहीं, उसमें टाइम से ये वर्चुअल साइकिल हुआ, आपका माइक्रोफोन भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है इसमें। खैर, अब खत्म ही, और क्या, तो हम क्या बोल रहे थे, भूल गए। हाँ, मतलब कि आगे की तरफ हम लोग देखेंगे कि रोटेशन भी हो,
सब डिस्कनेक्ट हो रहा है पागल। हाँ चलो ठीक है, खत्म करना है। नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज जो हम काइनेटिक एनर्जी ये सब जो चीज वर्क देख रहे हैं उन सब चीजों पे डिस्कस करेंगे कल, और भी कोलिजन ओलिजन की जो बातें होंगी वो करेंगे। उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन शुरू करेंगे, ठीक है। आज वही फिर खत्म हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में कल देखते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू टू। हाँ क्या बोल रहे हो सर? होमवर्क पिछला गया है क्या सर? हेलो हेलो। यस सर। होमवर्क हम टेलीग्राम पे पोस्ट कर देंगे, ठीक है। बार बार कट जा रहा है। ठीक है सर, ठीक है, एंड कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गेट हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। होस्ट कौन है? एंड करना है नहीं।